क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के आपको फील नहीं हो पाता क्या करना है ना। तो इससे आसान कोई चैप्टर है नहीं, कुछ ही करना, वैल्यूम में बाबू वैल्यूम निकालना रहता है, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, यही ना, जे वो डायगोनल है, कभी कबाला है ना, अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर एस स्क्वायर है, तो यही होता है। तो इसमें बाबू आपसे क्वेश्चन बहुत सारा बच्चा सब नहीं बन पाता, क्वेश्चन में पढ़ता तो समझ ही में नहीं आता। तो क्वेश्चन पढ़ो और उसके बाद समझने की कोशिश करो, जितना सारा टर्म आपको बताया ना, क्यूबॉइड से रिलेटेड, लेटरल सरफेस क्या होता है, टोटल सरफेस क्या होता है, तो पढ़ोगे आराम से समझ में आ जाएगा ना, और नहीं आएगा तो फिर हम लोग है ही बाबू, है ना। देखो आपको बाबू सबसे पहले सरफेस एरिया वैल्यूम से पहले बेसिक क्वेश्चन करवा दिए, फॉर्मूला बेस पे है ना बाबू, क्यू वैल्यूम निकालने के लिए है ना, टोटल सरफेस एरिया डायगोनल वाला करवा दिए, उसके बाद थोड़ा सा राइज, फिर थोड़ा सा राइज, आज थोड़ा सा और ज्यादा है, कल थोड़ा सा और राइज कर देंगे, है ना। तो बाबू आपका बाबू ये क्लास बहुत सारा इसमें भी आपको क्वेश्चन दिखा रहे, ये वाला जो क्वेश्चन है बाबू क्लास 9 में भी है, सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 में भी पूछा है, अभी आपको बुक दिखाते हैं ना, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको बाबू हर एक जगह मिलेगा, है ना। एक एक क्वेश्चन में 7 में रहो, 8 में रहो, सब जगह एक एक क्वेश्चन मिलता है ना। ठीक, तो देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा बाबू, एगो बताएंगे एगो खुद बनाना, ए बता देते हैं बी बनाना, चाहे बी बताएंगे ए बनाना, है ना, जो इच्छा है वो एगो बताते एगो खुद करना, है ना। तो सोल्यूशन ऑफ ए बाबू है ना, क्या बाबू सोल्यूशन ऑफ ए बोला है ना, क्या कर रहा है, शांति से समझना है ना, शांति से समझना। कोई क्यूब है सर, क्या बाबू कोई क्यूबॉइड है, जिसका लेंथ को डबल कर दिया जाता, ब्रे हाइट को डबल कर दिया जाता, ब्रेथ मेरा बढ़ता नहीं है, देखो क्यूबाइड है, ठीक। अब उसका लेंथ बढ़ा दो और हाइट बढ़ा दो, है ना, ठीक है ना, और बाबू क्या करो ब्रेथ को नहीं बढ़ाओ, तो कह रहा बाबू उसका वॉल्यूम में क्या चेंज होगा, है ना, वॉल्यूम कितना चेंज होगा, यही आपको क्वेश्चन कर रहा है ना। मतलब पहले बाबू शांति से समझना है, जैसे मान लो पहले एगो क्यूब था, छोटा सा बनाओ क्यूब, शांति से शांति से, ये हो गया आपका क्यूब, हो गया छोटा वाला क्यूब हो गया, है ना, ठीक सर। अब उसके बाद क्या कर रहा, इस क्यूब का बाबू लेंथ डबल कर दो, मान लो लेंथ एल है ना, ये लेंथ एल हो गया, आई ब्रेथ बी हो गया और हाइट एच हो गया, ठीक सर। अब लेंथ को दुगना करने कह रहा, तो लेंथ को दुगना करने कह रहा, तो दुगना कर दो, लेंथ को दुगना कर दो, मान लो लेंथ को कितना कर दिया, दुगना कर दिया, है ना, लेंथ दुगना कर दिया, ये इंक सूख गया का जी, 20 रुपया घाटा लग गया, बोला लो नेक्स्ट बाबू, लेंथ को क्या कर दिया, दुगना कर दिया, है ना, इतना लेंथ है सर, लेंथ को दुगना कर दिया, ठीक सर। अब ब्रेथ को भी दुगना कर दो, है ना बाबू, ब्रेथ को भी क्या करो, दुगना कर दो, यही ना हाइट, यही ये आपका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, ब्रेथ बाबू बता रहे हैं, ये लेंथ आगे बढ़ गया, अब ब्रेथ भी आगे क्या कर दो, बढ़ा दो, है ना, हाइट सेम में रखो, ठीक सर, शांति से समझिएगा, आ जाएगा समझ में, आगे नहीं हुआ जी, चलो आप लोग समझना, सही से बना लेना, है ना, ठीक। तो लेंथ बढ़ा दिया सर, अब ब्रेथ भी क्या हो गया, बढ़ा गया, है ना, तो लेंथ को दुगना करने का रहा डबल, और हाइट को हाइट डबल करने का रहा, सॉरी बाबू हाइट डबल करने का रहा, ब्रेथ क्या कर रहा सेम करने का रहा, ब्रेथ क्या कर रहा सेम करने का रहा, मतलब क्या सर, लेंथ को तो लंबा कर ही देगा, लेंथ क्या कर देगा, थोड़ा बड़ा कर दो, जैसे मान लो ये एल है, तो इसका दुगना लाइन को ड्रा करो ना जी, ठीक है सर, ड्रा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसका दुगना लेंथ को ड्रा कर लो, है ना, हाइट दुगना, ये हाइट एच है, तो एक बड़ा सा हाइट ये इधर, ये हाइट एच हो गया, हाइट डबल करने का रहा डबल कर दो, है ना, इस तरह से एक क्यूब बना लो, चाहे है ना बाबू एक क्यूबॉइड बना लीजिए, और इस तरह से। तो कह रहा बाबू वैल्यूम में क्या चेंज होगा, वैल्यूम में क्या चेंज होगा, यही आपको निकालने का रहा है ना, वैल्यूम में क्या चेंज होगा, है ना। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक से थोड़ा सा ज्यादा है, ज्यादा कुछ नहीं करना है ना, ठीक, हाँ सर, ठीक। तो देखो ये छोटका क्यूब है, ये बड़का क्यूब हो गया, अब इसका लेंथ कितना हो जाएगा सर, ये वाला लेंथ है, तो अब ये लेंथ दुगना हो गया, हाइट ये एच है, तो ये हाइट कितना हो जाएगा, 2h हो जाएगा, अब ब्रेथ मेरा सेम है, ये ब्रेथ मेरा क्या है, ब्रेथ में नहीं बढ़ रहा, ब्रेथ नहीं बढ़ रहा, तो कह रहा वैल्यूम में कितना चेंज होगा, है ना, कितना क्या वैल्यूम कितना बढ़ेगा चाहे घटेगा। तो बाबू लेंथ हम लोग मान लेंगे बाबू, लेट बाबू है ना, लेट कर लेंगे बाबू, लेंथ कितना एल मान लो, लेंथ हम लोग कितना मान लेंगे, एल मान लेंगे, लेंथ कितना मान लेंगे, एल मान लेंगे, ब्रेथ को हम लोग क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, ब्रेथ हम लोग कितना मान लेंगे, बी, ब्रेथ बराबर क्या मान लो, बी मान लीजिए, ब्रेथ बराबर बी हो गया सर, और हाइट बराबर क्या मानेगा, एच मानिएगा, हाइट बराबर एच हो गया, तो वैल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, ओल्ड वैल्यूम बाबू, इसको ओल्ड वैल्यूम कर देते हैं ना, या ओरिजिनल वैल्यूम कह सकते हो, ओरिजिनल वैल्यूम चाहे ओल्ड वैल्यूम लिखो कोई दिक्कत नहीं है,
तो ओल्ड वॉल्यूम कितना हो जाएगा सर, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओल्ड वॉल्यूम कितना हो जाएगा, लेंथ ब्रेथ हाइट, एक इक्वेशन यहां से। अब क्या कर दो, लेंथ को क्या कर रहा बाबू, आपको दुगना कह रहा, लेंथ क्या कर रहा है डबल कर रहा, हाइट क्या कर रहा है डबल कर रहा, तो एल टू एल हो गया, एच टू एच हो गया, बी मेरा वही रह जाएगा। तो अब उस केस में वॉल्यूम निकालो, उस केस में वॉल्यूम निकालो, अब दोनों वॉल्यूम को क्या करो, कंपेयर कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। दोनों वॉल्यूम में क्या कर देना, कंपेयर कर देना। नाउ बाबू है ना, नाउ वॉल्यूम इज इंक्रीज है ना, वॉल्यूम को क्या करो बढ़ा दो है ना, वॉल्यूम को क्या करो बढ़ा दो। नाउ बाबू, सॉरी बाबू, नाउ बाबू न्यू वॉल्यूम है ना, जब साइड न्यू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, नया बाबू बोला वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो लेंथ कितना है टू है, दुगना हो गया था टू एल हो गया, ठीक। ब्रेथ मेरा वही है सर, ब्रेथ को बी ए रहने दो, और हाइट मेरा कितना हो गया, टू एच हो गया, हाइट मेरा टू एच हो गया, तो हाइट कितना रख दो, टू एच रख दो, मल्टीप्लाई करो, टू इंटू एल बी एच हो जाएगा, टू टू फोर हो जाएगा, टू टू मेरा कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, एल बी एच हो जाएगा। तो ये नयका वैल्यूम आ गया फोर एल बी एच, पुरनका वैल्यूम एल बी एच, तो कितना का बाबू ये है, फोर टाइम्स है कि नहीं है। अरे एल बी एच क्या पुराना वाला वैल्यूम है ना, तो पुराने वाले वैल्यूम से बाबू नया जो वैल्यूम है कितना गुना बढ़ गया, चार गुना बढ़ गया, कितना गुना बढ़ गया, चार गुना बढ़ गया। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन सोल्व करोगे ना तो आपको कुछ नहीं बढ़ेगा, पुरनका वैल्यूम निकालोगे एल बी एच आ जाएगा, और नए का भी वैल्यूम निकालोगे तो एल बी एच आ जाएगा, तो उस केस में बी नंबर में क्या होगा, नो चेंज हो जाएगा, बी नंबर में क्या होगा, नो चेंज हो जाएगा है ना। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं बाबू, जो न्यू वैल्यूम है भोला, जो न्यू वैल्यूम है, जो न्यू वैल्यूम है बाबू है ना, कितना हो गया सर, फोर इंटू एल बी एच क्या है ना, ओरिजिनल वैल्यूम हो गया चाहे ओल्ड वैल्यूम हो गया, एल बी एच ये है ना, ओल्ड वैल्यूम चाहे ओरिजिनल वैल्यूम कहो, तब फोर इंटू क्या हो गया, ओल्ड वैल्यूम हो गया, फोर इंटू क्या हो गया बाबू, ओल्ड वैल्यूम हो गया, ये मार्कर को हो क्या गया, फोर इंटू क्या हो जाएगा, ओल्ड वैल्यूम हो जाएगा। तो कितना गुना बढ़ गया बाबू, फोर टाइम्स गुना बढ़ गया, कितना गुना बढ़ गया, फोर टाइम्स गुना क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, फोर टाइम्स गुना क्या हो गया, इंक्रीज हो गया ना, इंक्रीज हो गया, ठीक। आप लोग बढ़िया से इसको कर लेना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, ये आपका कितना है, टू एल है, कितना है टू एल है ना, लिखिए बी नंबर खुद करना है, बी नंबर डी आई बाई है, 16 नंबर बताते हैं, लिखो जी, इंक शैतान खराब हो गया लगता है, जल्दी लिखो, पता नहीं कैसे खुलल रह गया बाबू। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे, देखिए 16 नंबर जो क्वेश्चन है बोला, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कैसे सर बता रहे हैं, सर वो उधर न्यू वॉल्यूम लिखे हैं। हाँ न्यू वैल्यूम है, न्यू वैल्यूम है, थोड़ा सा स्पेस का कमी हो गया, अगला क्वेश्चन से नहीं होगा, इरेज करेंगे ना तो जगह मिल जाएगा। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, आप लोग टाइम पे आने की कोशिश करो, बहुत सारा बच्चा लेट आता है, शैतान लेट आने से घटा ना है जी, अंशु जीत नहीं है, सर नाउ के बाद न्यू वॉल्यूम लिखे हैं। हाँ बाबू नाउ बोला, ये न्यू वैल्यूम है, डब्ल्यू लिख रहे थे नहीं हो पाया, न्यू वैल्यूम कितना सर, लेंथ को दुगना कर दो, हाइट को दुगना कर दो, जल्दी लिखे, जल्दी लिखे, अगला क्वेश्चन समझना है। मिष्टी नहीं है, अंशु जीत नहीं है, शिवानी नहीं है, तीन वो चलिए इरेज करते बाबू, ठीक। अगला क्वेश्चन समझो, बी नंबर बनाना है, बी नंबर में नो चेंज हो जाएगा, पुरनका नए का वही आएगा, पुरनका नए का क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा है ना, वही आ जाएगा,
नेक्स्ट बाबू लिखी संजना की नहीं लिखी बोली संजना, चलो लिखा मयंक, हाँ सर। चलो ठीक है अगला क्वेश्चन समझे वो। देखो अगला क्वेश्चन समझाते बाबू है ना, देखो क्या करा, 3 गो क्यूब है और उसको साइड से एंड टू एंड रखा गया है ना, तो कह रहा वो सरफेस एरिया में क्या चेंज होगा। आपको सरफेस एरिया पूछ सकता है, वॉल्यूम पूछ सकता है, क्या चेंज होगा है ना। अभी आपको हमने क्या किया, चेंज वाला कराया, जब लेंथ को डबल ब्रेथ को आधा है ऐसे करके है ना बाबू, आपको हाइट को कुछ और चेंज दे सकता है ना, तो इसी तरह से बनाएगा। मान लो लेंथ हाफ कर देगा तो एल कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा, ब्रेथ को भी हाफ कर देगा तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, B/2 हो जाएगा। तो इस टाइप के जितना भी क्वेश्चन आएगा तो ओरिजिनल एल मान लेना लेंथ, ब्रेथ को बी मान लेना, हाइट को एच मान लेना। अगर हाफ कहेगा तो 1/L/4 कर देना, 2 कर देना, अगर 1/4 कहेगा तो L/4 कर देना, और नए का वैल्यूम निकाल देना है ना बाबू, और देख लेना पुरनका से कंपेयर कर देना कितना गुना बढ़ेगा, कितना गुना क्या होगा, बढ़ेगा है ना, बढ़ेगा चाहे कितना गुना घटेगा है ना, यही होगा भोला है ना। अगला क्वेश्चन क्या करा समझो, क्वेश्चन नंबर 16 बाबू, इसको समझना है ना, इसका सोल्यूशन बताते बाबू है ना। 16 बाबू देखो क्या करा, 3 गो क्यूब है, 3 क्यूब्स बाबू, ईच ऑफ साइड बाबू 5 सेंटीमीटर आर ज्वाइंड इन टू इंड बाबू, देन द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूब है ना, जो रिजल्टिंग क्यूब होगा उसका सरफेस एरिया कितना होगा ये आपको निकालने का रहा है। तो 3 गो क्यूब जब ज्वाइंट करोगे एक दूसरे के नजदीक में तो क्या क्या चेंज होगा ये पहले समझना है ना। जैसे भोला शांति से समझो, 3 गो क्यूब है सर इस तरह से है ना, हाँ सर, एक क्यूब ये हो गया, इसके पास में दूसरा क्यूब रख दो बाबू है ना, इसके पास में क्या रखो, दूसरा क्यूब रखो है ना, इसके पास में दूसरा क्यूब रख दिए सर कि नहीं, इस तरह से है ना, सटा सटा के, इसके सटा सटा के, फिर इसी के पास में बाबू तीसरा क्यूब रख दो कि नहीं, इस तरह से सटा सटा के है ना, एक दूसरे से सटा सटा है ना, तो 3ों क्यूब एक दूसरे के पास में रख दोगे है ना, तो कह रहे वो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, कितना चेंज हो जाएगा ना। तो जब 3ों को एक दूसरे से सटा सटा के रखोगे बाबू, तो मान लो आपको क्यूब का कितना दे ले, साइड 5 सेंटीमीटर दे ले, तो ओरिजिनल क्यूब का 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट कितना हो गया, 5 हो गया। और जब सटा के रखोगे तो आपका कौन कौन सा पैरामीटर डायमेंशन चेंज होगा यही इसमें करना रहता है। अरे शैतान, एगो सिंगल क्यूब है ना, 50 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर उसका क्या है साइड दे ले, तो एक क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 125 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कह रहा नहीं, आपको 3 गो क्यूब का एक दूसरे के पास रखो तो कह रहा सरफेस एरिया कितना हो जाएगा ना, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा ना, तो कैसे करोगे, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनाओ, फिर बता रहे हैं ना, मतलब क्या सर, कुछ नहीं बाबू है ना, शांति से समझना, कुछ डायग्राम इसका कैसे बनेगा कि सुंदर लगे है ना, एक सुंदर सा डायग्राम बनाना है, इधर बनाते बाबू, इसमें 3 गो क्यूब हो जाएगा ना, हाँ सर हो तो जाना चाहिए, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक, हाँ सर, अच्छी बात है, ठीक, ये बबू सही से नहीं बन पाए, इसमें 3 गो क्यूब कैसे बनेगा, इसको ऐसे करके बनाइए, इस तरह से आपको नहीं फील हो पाएगा, आपको फील करवाना ना 3 गो क्यूब जी, इसको ऐसे बनाओ, देखो 3 गो क्यूब रखा हो भोला, ये आपके बुक का भी क्वेश्चन है, सिंह को क्लास 10 का भी क्वेश्चन है, 8 का भी है, मैंने सब क्लास का क्वेश्चन है दिखा रहे हैं आपको, बुक सारा दिखा रहे हैं, इसको थोड़ा साइड बड़ा हो गया, नेक्स्ट बाबू इसको इस तरह से बना दो तो अच्छा से फील होगा। लाओ जी, कहाँ गया हथियार बाबू, फ्री हैंड से नहीं हो पाता,
चलो देखिए कैसे करना, आसान सा क्वेश्चन है, खाली समझना है थोड़ा सा। ठीक है ना, नेक्स्ट बोला। हवर दवर का काम और हवर दवर होता है। ठीक, ये आपका क्यूब है ना, क्यूब है एक तरह का। अब इसमें बाबू आपको तीन को, ये एक बड़ा क्यूब हो गया, इसको बनाया कैसे गया, इस तरह से बना सकते हो आप लोग। थोड़ा सा ये डायग्राम और ये थोड़ा डाउन होगा, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक क्यूब हो गया, यहाँ से लाइन मिलाइए, कहाँ जाएगा बाबू, ये आपका यहाँ चल जाएगा, इसको यहाँ पे मिला, ये आपका हो जाएगा, एक किधर हो गया, है ना। ठीक सर, अच्छी बात है। नेक्स्ट बाबू, इसको थोड़ा और खड़ा करो। तो ये क्या है, ये तीन गो क्यूब है। है ना, अब यहाँ पे समझना, देखो यहाँ पे आपको तीन गो क्यूब दिखाई दे रहा है। हाँ सर, तीन गो तो क्यूब दिखाई दे रहा है ना। कैसे बोला, कैसे बाबू, कैसे बाबू, इस तरह से बोला, नहीं तीन गो क्यूब दिखाई दे रहा है, इतना अच्छा सा तो आपको फील हो रहा है। ये आपका हो गया, तो ये एगो क्यूब हो गया, यहाँ तक ये एक क्यूब हो गया, कितना सेंटीमीटर सर, 5 सेंटीमीटर। फिर ये दूसरा क्यूब हो गया, कितना सेंटीमीटर सर, 5 सेंटीमीटर। और फिर ये आपका एगो तीसरा क्यूब हो गया, कितना, 5 सेंटीमीटर। तो यही कह रहा, तीन वो क्यूब को कैसे रख दिया गया, एक दूसरे से इन टू इंड कनेक्ट करके, कैसे करके, इन टू इंड कनेक्ट करके, है ना, इन टू इंड कनेक्ट करके क्या कर दिया गया, एक दूसरे के पास रख दिया गया है ना। तो सरफेस एरिया बताना है। ठीक ठीक सर, समझ में आ रहा है, देखो कैसे करा। तो अब जैसे बाबू इन टू इंड कनेक्ट किया, तो क्या क्या डायमेंशन, नया डायमेंशन क्या हो जाएगा, आपको सरफेस एरिया निकालना। तो सरफेस एरिया अब ये क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया ना जी। पहले बाबू एक क्यूब था, एगो क्यूब ये है, दूसरा क्यूब ये है, तीसरा क्यूब इधर हो गया। तो तीन गो क्यूब को पास पास रखोगे तो मेरा क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। अब इस क्यूबॉइड का क्या निकालना, सरफेस एरिया निकालना, तो क्या क्या डायमेंशन हो जाएगा, तो लेंथ कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर है ना। हाँ सर, लेंथ 15 हो जाएगा। और इसका ब्रेथ बाबू कितना हो जाएगा, ये जो ब्रेथ है, ये क्यूब है ना, तो ब्रेथ कितना रहेगा, 5 सेंटीमीटर रहेगा। और हाइट कितना रहेगा, 5 सेंटीमीटर रहेगा। आपको तीन वो क्यूब पास रखोगे तो क्या बढ़ेगा, खाली डायमेंशन लेंथ चेंज होगा, ब्रेथ और हाइट चेंज नहीं होगा। बात समझो, ठीक है ना, बात समझो। यहाँ पे यही कंफ्यूजन है ना। जैसे बाबू मान लो, भोला मान लो बाबू मेरे, समझना है बात को। है जी, अंधेरा किस हो गया बोला। टेबल लाइट, कौन जल रहा। ठीक, नेक्स्ट बाबू, चलिए देखो, तीन वो क्यूब एक दूसरे का पास पास रखोगे जी, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या क्या चेंज होगा, यही आपको समझना है। जैसे मान लो एगो, अभी तो ये क्यूबॉइड है ना, क्यूब शेप का नहीं, भोला है ना। तो देखो मान लो एगो क्यूब हो गया, इसके पास में क्या रखो, दूसरा रखो,
और इसके पास में तीसरा रखोगे तो क्या चेंज हुआ जी? खाली बाबू आपका ब्रेथ और हाइट सेम है ना जी? ब्रेथ और हाइट मेरा क्या है? ये जो है भोला आपका जो दिख रहा है, इधर करें, हाँ इधर करते हैं, ठीक। एक वो क्यूब हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तो क्या बढ़ गया? खाली लेंथ है ना बढ़ा, इसका जो ये थिकनेस था, ये जो ब्रेथ था वही रह गया, और हाइट मेरा क्या हो गया? वह सेम रह गया। तो आपको खाली चेंज क्या हुआ सर? लेंथ बढ़ गया। क्या बढ़ेगा? खाली चेंज क्या हुआ? लेंथ है ना बढ़ा जी। अरे एक वो क्यूब है, इसके पास में दूसरा रखोगे, अभी ये मान लो क्यूब है, तो ये 5 सेंटीमीटर, इधरों 5 सेंटीमीटर, हाइट भी 5 सेंटीमीटर, तो ये तीन को क्यूब को पास रखो एक दूसरे से, इन टू एंड, इसका टर्मिनल इससे या इसका टर्मिनल इससे, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है डिफरेंस? कि खाली लंबाई बढ़ा है। क्या खाली बढ़ा है? लंबाई है ना खाली बढ़ा है जी, ना हाइट बढ़ा और ना इधर से चौड़ाई बढ़ा है ना। तो जो नया डायमेंशन होगा भोला, उसमें सिर्फ क्या चेंज होगा? क्या चेंज होगा? जो नया डायमेंशन होगा, लेंथ कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर, हाइट कितना रहेगा? 5 सेंटीमीटर। बात समझा? ठीक है ना, मतलब क्या सर है ना, जो होगा भोला, लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ मेरा कितना हो जाएगा? लेंथ मेरा कितना हो जाएगा सर? 5 + 5 + 5 = 15 सेंटीमीटर। हाँ सर। ब्रेथ मेरा कितना हो जाएगा? ब्रेथ मेरा कितना हो जाएगा भोला? कितना हो जाएगा? ब्रेथ नहीं ना बढ़ेगा जी, तीनों एक दूसरे के पास रखोगे तो 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। हाइट भी नहीं बढ़ने जा रहा, हाइट भी नहीं बढ़ने जा रहा है ना, हाइट कितना हो जाएगा? वही 5 सेंटीमीटर। तो यही आपको क्वेश्चन था और कुछ नहीं करना था है ना। तो अब कह रहा है टोटल सरफेस एरिया है ना, तो उसके बाद टोटल सरफेस एरिया पूछे, चाहे लेटरल सरफेस एरिया पूछे, चाहे वॉल्यूम पूछे, आपका लेंथ ब्रेथ हाइट अगर निकल जाएगा, लेंथ ब्रेथ हाइट पता है, तो टी एस से पूछे, चाहे एल एस से पूछे, चाहे वॉल्यूम पूछे। मान लो टी एस से पूछेगा भोला, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा, तो टी एस से कितना हो जाएगा सर? फॉर्मूला बताएं, 2 × LB + BH + HL, यही हो जाएगा ना। तो एल बी का, एल का वैल्यू रख देते सर, बी का वैल्यू रख दो, सोल्व करो, आंसर आपका क्या होगा आ जाएगा है ना। तो यही क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भोला, जो क्वेश्चन नंबर ये बोला है, ये आपके क्लास 10 का भी क्वेश्चन है, अभी आपको दिखा रहे हैं, और ये जो क्वेश्चन है क्लास 9 का भी है ना, ये फेमस क्वेश्चन है, देखो क्लास 10 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहाँ गई शिवानी? नहीं आई जी शिवानी? एमिस्टी वीडियो ऑन करो, बोली ईशांत बाबू ऑन कीजिए बाबू, ईशांत सर डाटा नहीं है सर। बहुत कुटेंगे। देखो ये कौन सा बुक है बाबू, 10 नहीं है, 1 कहा है ना, ये गलती से, ये देखो 10 लिखल है, गलती से लिखा गया है ना। तो इस बुक में भोला देखो यही क्वेश्चन दे ले, यही ना जी, ठीक दिख रहा बाबू गुनगुन? यस सर। हाँ, तो ये 10 का क्वेश्चन हो गया, और देखो यही क्वेश्चन भोला 9 वाला भी दिखाते, एक एक क्वेश्चन आपको तीन तीन साल पूछ ले है ना, हम लोग के पास बाबू सब बुक रहे। ये देखो भोला, ये गलती से 9 है ना, ऐसे तो ये सब हम लोग 6 से 7 में पढ़ा देते हैं, 9 का यहाँ पे देखो भोला यही क्वेश्चन है, देखो 5 सेंटीमीटर पूछ ले है ना जी, ठीक है ना, ठीक। नहीं दिख रहा है गुनगुन? अरे शैतान ना, दिख रहा है जी, यही क्वेश्चन बना है। यस हाँ, और यह क्वेश्चन बाबू देखो, अभी आओ आपको दिखाते हैं, ये सिंकू का कौन है? आईसीसी बोर्ड है ना, देखो अभी दिखाते हैं सिंकू, देखो दिखाते हैं भोला कहाँ गया जी, पीडीएफ बना के भेजा है ना। तो ये जो क्वेश्चन, ऐ शैतान खोलो ना जी, कहाँ गए, रुको खोल के बता रहे हैं। तो एक एक क्वेश्चन आपको तीन तीन चार चार साल दे देता है, चार चार साल दे देता है ना, किसी भी बुक में जाओगे ये कौन क्वेश्चन सा आपको बुक है सर? मिलवे, कोई एमएल बुक रहे बाबू उससे क्या मतलब, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके एमएल वाला में भी है, दिखा रहे हैं कहीं तो है, ये था खत्म हो गया जी, होगा कहीं ना कहीं होगा बाबू, नहीं किसे होगा। एमएल अग्रवाल शायद। कहीं ना कहीं है ये, देखो बोले ये इसके बुक का, देखो यहाँ पे जूम करके देखोगे, खुलो जी है ना, देखो वही क्वेश्चन बना जी, ठीक है ना, ठीक। हाँ सर तो जी। ये हो गया, ये हो गया कहाँ, आईसीसी बोर्ड क्लास 9 का है ना, क्लास 9 का आईसीसी बोर्ड का है, ठीक है ना, सिंकू के बुक का है, 8 में मिलेगा तो 8 में मिल जाएगा, मिस्टी के बुक में भी यही क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन सारे जगह फेमस है। दुख के बात है बाबू, ये बोर्ड में दो दो बार पूछा लें, देखो ये जो क्वेश्चन है बाबू, ये बोर्ड का देखो, ये एक्सरसाइज दिखाते हैं है नहीं, तो सोल्व एग्जांपल हो गया ना आपको, एक्सरसाइज दिखाते हैं, देखो वही क्वेश्चन है, पढ़ो जी, कर दे, लिखा ले जी, लिखा ले सिंह को,
समझ में आ रहा जी? क्या लिखा हो जी? टू क्यूब ईच ऑफ वैल्यूम इतना ज्वाइन इन टू इंड, है ना? दो क्यूब है बाबू, कैसे ज्वाइन किया गया? इन टू इंड, है ना? इन टू इंड 27 सेंटीमीटर दे ले, वैल्यूम दे लेता, साइड निकाल दो, निकल जाएगा जी। ठीक, तो कहे 14, देखो 11-14 में पूछा हुआ है ना, 11-14 में पूछा हुआ। तो एक एक क्वेश्चन बाबू एजुकेशन में यही लूट है। सातवों में आठवों में दे देता पढ़ने के लिए, नौवों में दसवों में सीबीएसई बोर्ड रहे सब जगह एक एक क्वेश्चन के दिए हुए है ना। तो इसीलिए आपको क्या करना, कॉन्सेप्ट सीखना, कोई भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीखिए और उसके बाद बनाइए आराम से, है ना? कॉन्सेप्ट सीख जाए बना जाए। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, 3 गो क्यूब को साइड रखोगे तो क्या बढ़ेगा सर? बढ़ेगा क्या? सिर्फ लेंथ बढ़ेगा, ब्रेथ और हाइट नहीं बढ़ेगा, है ना? तो टोटल सरफेस एरिया कहे, चाहे इसी क्वेश्चन का वॉल्यूम निकालने के लिए कहे, चाहे इसी क्वेश्चन का एलएसएम निकालने के लिए, कुछ हो का है, सारे का यही प्रोसीजर होगा, है ना? तब यहाँ पे निकाल लो, है ना? निकाल लो बाबू, नेक्स्ट बाबला। ठीक, तो कितना हो जाएगा? एक आध पेज लाइन बचेगा तो एगो क्वेश्चन इसमें लिख देंगे बाबू, जो आपको बोर्ड में पूछा हुआ है। कितना हो जाएगा? 15 मल्टीप्लाई 5, आप प्लस कितना, 5 इंटू कितना? तो कॉन्सेप्ट सीखिए ना, कॉन्सेप्ट सीखिएगा काम आपका हो जाएगा। +5 मल्टीप्लाई कितना, HL, L की वैल्यू 15, एरिया है तो यूनिट क्या बनेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई वगैरह करो, आप लोग जल्दी कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करो, ऐड करो। वो लगा दिया सर है। 350 350 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, मल्टीप्लाई करके कि बिना मल्टीप्लाई कर ले? सर, मल्टीप्लाई करके और ऐड सब करके। सर 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। 275 दो से फाइव मल्टीप्लाई करने के बाद 350 से आ सर। रहा है। हाँ चलो ठीक है, तो यही है बाबू, है ना? यही एजुकेशन है। लिखे जल्दी से, क्या बाबा हम वीडियो ऑन करो ना जी, टेंशन नहीं लेना, कॉन्सेप्ट सीखिए, 8, 9, 10, है ना? सब वही है बाबू, स्पेस बच रहा था इसमें, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 क्यूब्स ऑफ वैल्यूम इतना सेंटीमीटर है, ज्वाइन इन टू इंड टू बाद में फॉर्म ए दिखाते हैं सॉलिड। सर, नहीं है नहीं बाबू, सर। थोड़ा सा एगो क्वेश्चन लिख लो जो आपको बोर्ड में पूछल है, तो इसमें देखो थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, तो मेरा बच्चा डरेगा थोड़ी, इसी में 2 नंबर कर दो, है ना? क्या ट्विस्ट किया सर? अभी वैल्यूम दे दिया गया, दो यहाँ पे साइड दे दिया ना, अभी 2 गो क्यूब है बाबू जिसका वैल्यूम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? वैल्यूम दिया हुआ है ना, मतलब क्या करा बाबू, 2 क्यूब साइड में कहीं बादल उदल लास्ट में लिख लेना, इसको बनाना है। 2 क्यूब्स बाबू, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वैल्यूम, 2 क्यूब्स है ना, ईच ऑफ वैल्यूम। तो बच्चा मेरा डरेगा, काहेला डरेगा? ईच ऑफ वैल्यूम इज कितना दे ले है, 27 सेंटीमीटर क्यूब दे ले है ना, ज्वाइंट इन टू एंड कैसे किया गया है, ज्वाइंट एंड टू एंड किया गया है ना, तो हम लोग ज्वाइंट एंड टू एंड, एंड टू फॉर, है ना, टू फॉर्म ए सॉलिड, टू फॉर्म ए सॉलिड। तो क्या करें, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब, है ना? फाइंड द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब टी एस ए, है ना? क्या निकालने का रहा, फाइंड द सरफेस एरिया, फाइंड द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। तो 10 में जाओगे तो यही बेसिक होगा, इतना याद रहेगा तो आपका आसान होगा, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूब। कैसे बनाएंगे सर, कैसे बनाएंगे? तो क्यूब का वैल्यूम दे लेते, साइड 3 हो जाएगा, है ना? दुइयो को कह रहा है, एरा में तो 3 गो था, एरा में तो दुइयो को कह रहा है ना, तो साइड कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा, 2 गो को जोड़ोगे तो लेंथ 6 हो जाएगा, अब बाकी ब्रेथ और हाइट क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो आंसर फटाक से नहीं आ जाएगा, है ना? तो कुछ नहीं किया गया वो, है ना? फिर के 2 नंबर 4 नंबर आपको मिल गया। नेक्स्ट वो अगला क्वेश्चन, इसमें वैल्यूम दिया हुआ, वैल्यूम दिया हुआ है ना, तो साइड निकाल दो, है ना, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट करके आंसर आ जाएगा, जल्दी लिखिए। अगला क्वेश्चन, हेलो बाबू वीडियो ऑन कर दीजिए, लैब 2 नंबर लास्ट में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में लिख लीजिए। तो क्वेश्चन जो भी आपको करवाया गया बाबू, सारे बुक से हम लोग देख देख के करते हैं, जो जो बढ़िया रहता है उसको आपको बता देते हैं।
जल्दी एले बाबू वीडियो ऑन कर दीजिए। मिष्टी बाबू ये एकदम शैतान है। सर ज्वाइन अंशु के जी बाद क्या बोले? सर बी में ज्वाइन के बाद क्या लिखे हैं? ज्वाइंड बाबू, एंड टू एंड, ज्वाइंड एंड टू एंड है ना, किनारा किनारे से ज्वाइंट करना। अब ऊपर नीचे ज्वाइंट करेगा, ज्वाइंट करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है ना जी। मान लो एक के ऊपर दूसरा करेगा तो उस केस में क्या बढ़ेगा, हाइट बढ़ जाएगा, लेंथ और ब्रेथ सेम रहेगा है ना। तो यहाँ किनारा किनारा ज्वाइंट कर रहा, आपको कंसेप्ट पूछेगा तो एक के ऊपर दूसरा ज्वाइंट करेगा, वैसे भी हो सकता, तो उस केस में हाइट बढ़ेगा है ना। तो कंसेप्ट इससे बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, एगो का कंसेप्ट सीख लीजिए सब आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला समझो, अगला समझो, अगला समझो, अगला समझो, अगला बहुत समझ समझने लायक क्वेश्चन है ना। देखो कैसे करोगे। क्या बाबू नहीं होमवर्क लिखा था? है। हाँ बी बी नंबर बनाना है, बी नंबर बनाना है, सब हम ही बनाएंगे। आपको इसमें घुमा सकता है तो ज्वाइंट यहाँ इंड टू इंड लिख ले, आगे ज्वाइंट क्या लिख सकता है, एगो नीचे उसके ऊपर दूसरा है ना, ऐसे करके ना। ठीक ने 17 नंबर क्या करा बाबू? स्विमिंग पूल है, बनाओ स्विमिंग पूल। ये देखो 17 नंबर क्या करा, ये स्विमिंग पूल बाबू, इतना मीटर लेंथ, इतना मीटर ब्रेथ, इतना मीटर डेप्थ दे ले है ना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट्स फ्लोर एंड बॉल एट द रेट ऑफ 12 रुपया पर मीटर स्क्वायर है ना। मतलब क्या करा, इसको सीमेंट करना, एक स्विमिंग पूल है ना। तो अब उसको सीमेंट करोगे तो कौन कौन से सरफेस को सीमेंट करोगे? पूल, जब स्विमिंग पूल बनाओगे बाबू तो ऊपर वाला क्या रहेगा, खुला हुआ रहेगा ना जी। जैसे क्या बाबू, शांति से समझना, क्वेश्चन समझ गया, आंसर आ गया। आप लोग का मैक्सिमम क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है ना, क्वेश्चन ही नहीं आता। जैसे मान लो बाबू इसी टाइप का पूल होता है, क्यूबाइडल, इसमें जाके स्नान करोगे तो सीमेंट करना, तो सीमेंट अंदर से करोगे है ना, इसको खोलोगे है ना, चारों खोलोगे तो किसको किसको सीमेंट करोगे, कौन कौन सा सरफेस को सीमेंट करोगे? तो चारों दीवार को सीमेंट करोगे प्लस नीचे वाला सरफेस, ये जो फ्लोर रहेगा अंदर वाला, उसी को सीमेंट करोगे ना। ठीक, मतलब क्या कर रहा, आपको सीमेंटिंग का पैसा दे ले 12 रुपया, 1 मीटर स्क्वायर को बाबू प्लस्तर करो, नहला चढ़ा रहे हो तो कितना लग रहा, 12 रुपया लग रहा। तो आप कितना सरफेस को सीमेंट, ये सीमेंट कीजिएगा, तब पुल रहता है तो ऊपर से खुलल रहता है ना, कि हवा में सीमेंट करता है, चार गो दीवार और नीचे वाला, पांचे सरफेस को ना सीमेंट कीजिएगा, तो पांचों सरफेस का एरिया निकाल लो, आंसर आ जाएगा। यही क्वेश्चन कह रहा, पांचों सरफेस का एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस नीचे बेस वाला का एरिया है ना, लेटरल सरफेस एरिया निकाल लोगे और नीचे बेस वाला का एरिया निकाल दोगे, सबके एरिया निकाल के जोड़ दोगे तो मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा है ना। आ 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपया, तो जितना आएगा एरिया उतना से मल्टीप्लाई कर देना 12 से है ना। तो यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, तो क्वेश्चन को समझो और सोल्व करो। चलो जल्दी से बना बाबू। ठीक है 17 नंबर बाबू, सॉल्यूशन ऑफ 17। देखो क्या करा, एगो बनाओ पुल है ना, नेक्स्ट बाबू समझता चलना सिंह को, बनाइए एगो बड़ा सा पुल कब तक एग्जाम है रोशनी? बोले रोशनी, ए रोशनी ना बोलोगी जी, किसको किसको सीमेंटिंग करोगे? ये नीचे वाला सरफेस को, इसी को ना करोगे जी, आप प्लस चारों दीवार को, यही तो आपका स्विमिंग पूल है ना। ठीक दे ले सर, लेंथ 20 मीटर, मतलब एल की वैल्यू दिया हुआ है 20 मीटर, ब्रेथ दे ले 15 मीटर, यही ब्रेथ है वाला साइडवा, बी दिया हुआ है 15 मीटर, हाइट डेप्थ दे ले, गड्ढा दे ले, गड्ढा गड्ढा, मतलब ये एच की वैल्यू दिया हुआ है 4 मीटर है ना। तो आप लोग किसको किसको करोगे है ना, किसको किसको सीमेंट करोगे, किस पे नहला चढ़ाओगे? तो नीचे सरफेस पे या चारों दीवार पे? तो चारों दीवार का एरिया निकाल दो, तो चारों दीवार मेरा क्या देता है, लेटरल सरफेस एरिया देता है, चारों दीवार क्या देता है, लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया, तो बेस का एरिया कैसे, रेक्टेंगल होता, तो ये बेस एरिया एल इंटू बी, अरे इस बेस का एरिया, अच्छा और को जो दीवार है उस सारे का एरिया निकाल के जोड़ दो, तो चारों दीवार का एरिया कैसे निकालोगे, जो लेटरल सरफेस एरिया होगा वो प्लस बेस का एरिया निकाल दोगे, सबको जोड़ दोगे, तो आपका क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ऊपर वाला ढक्कन छोड़ के है ना, ऊपर वाला तो पुल ऊपर में खुला रहता है ना, तो वही करना।
तो टोटल सरफेस एरिया हम लोग क्या निकाल देंगे बाबू? टोटल सरफेस एरिया नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखोगे? एरिया बाबू है ना, एरिया फॉर सीमेंटिंग है ना, ऐसे लिख देते बाबू। किसका एरिया, किसका? एरिया बाबू, एरिया फॉर सीमेंटिंग है ना। किसको किसको क्या करोगे? सीमेंट करोगे, प्लास्टर नाला चढ़ाओगे। एगो तो होगा लेटरल सरफेस एरिया सर, LSA, और प्लस किसका? बेस एरिया, यही होगा ना, है ना। अरे शैतान, पूल है तो कह रहा है चारों दीवार को नाला चढ़ाएगा और बेस को चढ़ाएगा। चारों दीवार क्या होता है? लेटर सरफेस एरिया होता, और बेस वाला एरिया सेपरेट कर दो तो बेस एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेटरल सरफेस एरिया क्या बताए थे क्यूबाइड का? 2 × L + B इंटू H। अब प्लस बेस एरिया क्या है सर? ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, यही ना बेस है जी। हाँ सर, यही तो बेस है, जहर खा के मर जाओ। ये है आपका क्या हो गया? बेस एरिया हो गया। ठीक, तो बेस एरिया कितना सर? लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया 2 × L की वैल्यू कितना? 20 दे ले है, सॉल्व करो आंसर, लूटो। ब्रेथ की वैल्यू 15 दिया हुआ, मल्टीप्लाई कितना दे ले है? 4 दे ले है, प्लस 20 × कितना? 15। सारे का यूनिट निकालोगे तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, है ना। एरिया तो एरिया यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। अब इसको सॉल्व करो आंसर, लूटो। 35 मल्टीप्लाई 4 और प्लस 300। पैंतीस दूनी 70, और 70 अचार 28, 280। कितना हो जाएगा? 580। तो इतना टोटल एरिया हो गया सर, 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपया, तो 580 का कितना हो जाएगा? 12 × 580 आंसर आ जाएगा। तो यही करना था, यही क्या था आपको? करना था ना, करना था। जल्दी लिखो बाबू, इसीलिए कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग बाबू। कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग तो 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपया, तो 580 का कितना हो जाएगा? 580 रुपया। 580 × 12, इसको करो आंसर, लाओ जल्दी लिखो जी। 6,960 होगा। 6,000 आ रहा है, ए यस, रोशनी ना बोलोगे जी? 6,900। 6,960 रुपया है ना। अगला क्वेश्चन जल्दी लिखिए। अठारह नंबर समझाते हैं जी। मिस्टी नहीं सुनेगी एकदम, अभी इसकी मम्मी एकदम पूरा डांट के गई बाबू, ये सब शैतान। जल्दी लिखे, 9 मिनट है बोला, जल्दी कीजिए। कितना दिन से नहीं भेजी है श्रुति? श्रुति कितना दिन से नहीं भेजी है जी? जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। आगे बाबू एगो टीन बनाना है ना, टीन का लेंथ ब्रेथ हाइट दिया, तो 20 गो टीन का डिब्बा बनाना, आपको तेल बेचना जाके है ना। स्कूल में वो एजुकेशन तो मिलता नहीं है, तो यही सब बेचो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो, आपको टीन बेचना है, टीन ले लो, टीन ले लो, टीन ले लो, देखो कैसे बेचोगे। अगला क्वेश्चन समझाते, बनाएंगे नहीं। करो अरे शैतान, देखो नीचे कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग बाबू, 580 × 12 कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग, जल्दी करो। ठीक, नेक्स्ट बाबू, अगला क्वेश्चन समझाते हैं। कल बाबू आप लोग का बहुत सारा बच्चा नहीं भेजा, खाली सिंकू भेजा बना के, ना गौरव भेजा है, ना रौनक भेजा है, ना श्रुति भेजी है,
कोई नहीं भेजा है, गुनगुन भी नहीं भेजी है, आलोक भी नहीं भेजा है, कोई नहीं होमवर्क भेजा है, खाले को खाले वो भेजा है, सिंह को भेजा, तो एगो लाभ भालू को भेजा है। तो कल बाबू आप लोग को पहले उठा बैठी करवाएंगे, नहीं तो आप लोग का पेरेंट्स से पहले बात करेंगे कि होमवर्क उमर्क बना के भेजता नहीं है। उठा बैठी तो करोगे नहीं, शर्म लगेगा, 9 में चल गए तो शर्म लगेगा। तो पापा से बात सुनवाते हैं आप लोग को, है ना, सारे पेरेंट्स का नंबर है ये है। 18 नंबर देखो बोला, नहीं आप लोग खुद से बनाओगे, कलम नहीं चलाओगे तो कैसे सीखोगे जी, गलती होगा तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना, उसमें भी आपको खुशी की बात है। बता नहीं रहे 18 नंबर, हम ये कर रहे हैं खाली समझा रहे हैं। एक क्यूबाइडल टीन इज बाबू 30 सेंटीमीटर, इतना इतना सेंटीमीटर है ना, कोई टीन है, टीन है बोला, क्यूबाइडल टीन है सर। तो टीन को बनता है बाबू, तो टीन किससे बनता है, चदरा से बनता है, सीट से बनता है, टीन सीट से बनता है, कितना दे ले, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, है ना, ये डायमेंशन दे ले टीन का। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन रिक्वायर बाबू, है ना, 20 सच टीन बाबू, 20 को बनाना है, जिसका कॉस्ट दे ले है 20 रुपया पर मीटर स्क्वायर, तो कैसे अप्रोच करोगे ये समझो। आपको एगो टीन बनाना, तो टीन बनाने के क्या लगेगा, चदरा लगता, सीट लगता, तो यहाँ आप क्या निकालोगे, टीन बनाओगे बाबू, जैसे मान लो ये डिब्बा बनाना है भोला, है ना, ये डिब्बा बनाना है भोला, कौन है जी, ठीक, ये आपको डब्बा बनाना है, हेलो, हाँ सर बाबू, अच्छा सो के कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सो के पढ़ लीजिए, तबीयत ठीक हो जाएगा, है ना, अरे सो के करो, बुखार उतर जाता जी, मैथ से बाबू अच्छा अच्छा चीज उतर जाता, आपका तबीयत का क्या है जी, आदमी यहाँ ऊपर चल बसता है, मैथ पढ़ पढ़ के बोला, आपका तबीयत ऐसे ठीक हो जाएगा, चलो ठीक है, बोले नेक्स्ट। हाँ सर, हाँ सर, अच्छा ठीक है, ऐसे सो के भी पढ़ लेगी तो सीख लेगी, ऐसे ठीक हो जाता सर, बहुत सारे बच्चे का तबीयत खराब था ना, पढ़ते पढ़ते उसका बुखार गायब हो गया। अच्छा ठीक है, सोने दीजिए। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, नेक्स्ट बाबू देखो, बाबू पेरेंट्स भी है ना, वो सपोर्ट करते हैं, हम लोग तो वो बच्चा को बाबू है ना कब्र में भी रहेगा, वहां से उठा के भी पढ़ा देंगे, ठीक। नेक्स्ट बोला, देखो आपको टीन है, आगे क्या करा, ये टीन बनाओगे, तो टीन बनाओगे तो इसमें क्या जरूरत होगा, एरिया लगता है, टीन का सीट का क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे, है ना, एरिया निकालोगे, टीन बनाने के लिए आपको वैल्यूम की जरूरत नहीं होता, अंदर से टीन डब्बा खाली रहेगा ना जी, कोई भी चीज इसमें भरोगे ना तो उस केस में वैल्यूम निकालेंगे, आपको टीन बनाना है तो टीन सीट से बनेगा, तो सीट का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, मतलब आपको क्या कर रहा है, ये जो डायमेंशन दे है ना, तो इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकाल दो, तो एक गो टीन का टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा, बताइए क्या फॉर्मूला से, तो 20 गो टीन का क्या नहीं, 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 20 टीन का टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा, है ना, और एक टीन का रुपया दे है 20 रुपया, ये सेंटीमीटर में ध्यान देना, सेंटीमीटर में आपका डायमेंशन सेंटीमीटर दे है, और यहाँ पे रुपया दे है 20 रुपया दे है, मीटर में दिया, कैसे दिया हुआ है, रुपया मीटर स्क्वायर दिया, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो यहाँ से इसको मीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 0.30 हो जाएगा, 0.3, 0.4 या 0.5 हो जाएगा, तो इसका टी से टोटल सरफेस एरिया निकाल लो, तो एक टीन का निकल जाएगा, 20 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 20 टीन का निकल जाएगा, तो 20 टीन का टोटल सर्फेस एरिया मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, है ना बाबू, तो आपको कह रहा है एक मीटर स्क्वायर में 20 रुपया लग रहा है, तो जितना इसका टोटल सर्फेस एरिया आएगा उसमें उतना में 20 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन में समझना क्या था, क्वेश्चन में समझना था जो टीन बनाओगे ना तो वो सरफेस एरिया से ना, जो टीन में पैसा लगता है सरफेस एरिया में लगता है, वैल्यूम में नहीं निकालना, वैल्यूम अगर निकालोगे तो गलत हो जाएगा ना, सरफेस एरिया में लगेगा, है ना। अगला क्वेश्चन क्या बाबू, अगला आपको बताएंगे ना, ये आपको बताना पड़ेगा ना, बनाना पड़ेगा, ठीक, तो इतना बना के भेजना है, 18 एगो सर बी नंबर, एगो वो एगो छोड़े, जो 3 क्वेश्चन बना के भेजना है, नहीं भेजोगे कल बाबू पेरेंट्स का फोन कर देंगे, दुइये को बच्चा को हम भर के आया था ना, बिट्टू का आया है और किसी का नहीं आया, खाली सिंकू का आया था और उसका आया था, लव का आया था, कल बाबू नहीं भेजोगे फोन कर देंगे जी, बाय सर बाय बाय बाय, सर बोले बाय बाय, ये सब सही, होमवर्क बना बाय के नहीं, सर बाय बाय बाबू।
सर हाँ बोलिए। कौची एक सर्कल का क्वेश्चन पूछना था बोल रहे, थोड़ा कस के बोलो ना जी। सर, एक सर्कल का क्वेश्चन पूछना था। हाँ तो ठीक है, भेज दीजिए ना, बता देंगे, टाइम मिलेगा कखनी। तो टेंशन क्या, वो जो अभी पूछना है कहीं भी पूछना है भेज दीजिए सीधे, ठीक है पूछने के लिए सर, शर्माइए मत, टाइम मिलेगा बता देंगे। आपका एग्जाम कब तक है से गुनगुन? मार्च में ना जी? सर मार्च हाँ में फर्स्ट वीक से 6-7 से होगा। हाँ तो लग रहा है एनसीईआरटी है तो बुक चलता है आपका, आपका कौन टेंशन है जी। एनसीईआरटी में 10 को 20 को तो क्वेश्चन में रहता है, बना लो इसी टॉप कर जाओगी। आता है सर रेफरेंस में, हाँ सर आरएस अग्रवाल से भी आता है सर, ज्यादा क्वेश्चन आरएस अग्रवाल से ही आता है। रेफरेंस बुक भी चलाते हैं, यस सर, पढ़ाते हैं उसको। अच्छा हाँ सर एनसीईआरटी से तो बहुत कम आता है, क्लास में आरएस अग्रवाल ही होता है। तो चलो ठीक है। तो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू, गुड गुड इवनिंग, इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। हाँ गुड तनु थोड़ा कम बोलिए बाबू, बहुत बोलती, बोली डिस्टर्ब होता है, खाली क्लास में आती है, सीखती पढ़ती लिखती नहीं है, खाली हल्ला करती है। ज्वाइन द क्लास ऑफ बैच ई स्टूडेंट। कितना नंबर क्वेश्चन हुआ था कल जी? 2-3 क्वेश्चन और है, उसको करवा देते हैं। साइंस साइंस शैतान, इसको एरिया पेरीमीटर खत्म करो ना जी, फिर आप लोग का रिवीजन करना। साइंस में क्या पढ़ाना, डाइजेस्टिव सिस्टम एनिमल वाला थोड़ा सा बता देंगे। एनिमल आदमी का हम लोग पढ़ चुके हैं, गाय वाला डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोग को दे ले रहता है बुक में, वो बता देंगे कैसे गाय खाती है, काहे नहीं चिबाती है ना। तो है हाँ चिबाती है तो शुरू में बाबू डायरेक्ट ये अति कर दिया, शुरू में नहीं चिबाती है, गुड इवनिंग फर्स्ट टाइम, सर। गुड इवनिंग सर। फर्स्ट टाइम गाय नहीं चिबाती है। गुड इवनिंग सर, गुड आप इवनिंग तो आज सर। साइंस पढ़ाने वाले हैं, सर नहीं जी अभी साइंस का है बाबू। सैदान पढ़ाइए ना। पहले एरिया पेरीमीटर खत्म करो ना, बहुत सारा बच्चा का एग्जाम है भोला। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 2-3 क्वेश्चन और रह गया है, उसको करवाते हैं। वर्ड मीनिंग भी लिखना है जी आप लोग को, बहुत दिन से नहीं सर लिखे उधर से। कल नहीं लिखवाए थे आप? अच्छा ठीक है, 3-4 को लिखाते हैं या लास्ट में लिखाएं, लास्ट में ये सब शैतान तो रहबो नहीं करता है, लास्ट में लिखाने से लास्ट में फायदा लिखा होता है। देना सर, अभी हाँ तो लिखाइए सर, वरना सर फिर कुछ कुछ लोग तो चला भी सर जाते हैं। 27, सर 27 और 28 बाकी है। हाँ क्वेश्चन बाकी है जी। होमवर्क दे दिए थे सर, होमवर्क था अच्छा वो ठीक है। हाँ नहीं बना के भेजा, अभी आप लोग को कूटते हैं। रुमिनेंट सही, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस लिखाए थे ना जी? मैंने भेज ये लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे? रुमिनेंट, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ये नो ओमनीवोरस सर, नहीं नहीं लिखा है? लिखवाएंगे नहीं सर, लिखाया आप लोग को लिखवाए जी? एक सर, नहीं लिखवाए सर, नहीं लिखवाए थे आप साइंस जी, पढ़ाएंगे। हाँ सैटरडे को शायद लिखाए थे, ओमनीवोरस, हर्बीवोरस, सर, यस कार्निवोरस। सर लिखा हुआ है सर, लिखवा दिए। हाँ 138, 139 ये सब पहले भाग जाती है, उसीलिए दिक्कत होता है। कितना है वर्ड मीनिंग होगा? 140, 140, 140, वो सर 140 होगा। अच्छा ठीक है, हल्ला नहीं। एक वर्ड मीनिंग है फ्रीक आउट होता रिकॉर्ड मतलब है ना, FRE के फ्रीक आउट है। सर, आज साइंस पढ़ा रहे हो? नहीं जी मैथ में पढ़ाओ। बाबू। अरे तो पहले इसको तो खत्म करेंगे ना, एरिया पेरीमीटर। फ्रीक आउट बाबू, होश उड़ जाना होता है ना कभी कभी बाबू, है ना। कुछ ऐसा काम कीजिएगा बाबू, जैसे मान लो हम किसी के पास चल जाते तो उसका दिमाग उमाग काम नहीं करता, उसी को कहते हैं होश उड़ जाना। होश उड़ जाना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू, गुड उड़ इवनिंग, काली गुड काली इवनिंग। तो बन तबचियाला इनॉर्मसली, सर, ये थोड़ा सा सोना सोनवा शब्द है।
घड़ी होश उड़ जाना, या इसको आप क्या कह सकते हो, घबरा जाना भी है ना, नहीं कभी कभी परेशानी हो या जाता है, घबरा जाना। नेक्स्ट सर लिखवाइए। एनॉर्मस, एनोनिमस, इनॉर्मसली मतलब बहुत ज्यादा। अत्यंत, अत्यंत, हाँ अत्यंत, बहुत अधिक, बहुत ज्यादा है ना, अत्यधिक कह सकते हो। जाना, घबरा हद जाना, से ज्यादा, अत्यधिक। बाय सर। अत्यधिक चाहे बहुत ज्यादा कह सकते हो। सर एक्सक्यूज मी सर, आपने फुल स्टॉप क्यों दे दिया, कॉमा लगा। या है, अच्छा या है, या है, या है। 142 नंबर। और क्या क्या वर्ड मीनिंग है, और बढ़िया बढ़िया सोचिए। ट्रेम्बल, ट्रेम्बल मीन्स क्या होता है, कौन जानता है। हिंदी सर, ट्रेम्बल समस्या, समस्या, सर कॉलिंग, ट्रिम्बल, सर सर कॉलिंग, समस्या, सर घबराना, सर मेरे कॉलिंग, घबरा, हाँ काप, मैं वही लिखवा घबराना, रही हूँ, सर घबराना या कॉलिंग, कापना। थ्री कॉर्ड घबरा, सर कॉलिंग लिखवा दीजिए, सर अच्छा ठीक है, कापना, कांपना। इसका मतलब, कॉलिंग का मतलब होता है टकराना सर, वो तो बहुत या इजी इसको आपने घबराना लिखवा भी दिया कह है सर। सकते हो। सर कॉलाइड तो आपने लिखवाई हाँ दी है, कोलाइड होता है, लिखा चुके लगता है, कोलाइड का मतलब टकराना होता है, बाहर से लिखवा दिए सर। घबराना। सर हाँ जी, आप ये लिखवा दीजिए, डिस्क्रिमिनेशन, 143 में भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेशन सर, अच्छा, और डाइवर्स चुन, लिखा देना सर, आयरन और चुनेटली, सर, ये तो एकांत। लकी होगा सर, लकी जो जिसका हाँ दिन अच्छा जाए। बाबू, डेली हम लोग दो दो वर्ड लिखाते हैं एकांत बुक में ना, इसको डायरी में लिखना। भाग्यशाली, भाग्यशाली, हाँ, इस अभी तक कितना वर्ड हम लोग इस बैच में लिखे, डेली दो दो वर्ड लिखाते, तो कल नहीं लिखा था, तो कल के बदले आज दो गो लिखा रहे हैं, तो आज चार हो गया है ना। भाग फॉर्च्यून, सोयाबीन ऑयल, से हल्ला नहीं जी, तो इसको डायरी में लिखना बाबू, एकांत बाबू, जो छूटा है ना, भेज दूंगी सर, जो छोटा है कोई बच्चा भेज देगा। कार्तिक राज, वीडियो सर ऑन कीजिए बाबू, कार्तिक राज। मेरा वो सारा कंप्लीट है, मैं भेज दूं आज ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन होगा, 29। सर, 29, यस 29, सर, हाँ सर, चलो दो चार क्वेश्चन और है, फिर पेरी हम लोग एरिया पढ़ेंगे। सर उसके लिए कोई और ग्राफ बुक की जरूरत है या नहीं सर? यार किस आपको चीज बाबू का बुक, बाबू आपका जो एनर्जी विद्या सागर का बुक है सर, उसी से बनाना है, नो उसमें सब तरह के क्वेश्चन है। हाउ सर, मेनी मुझे रेक्टेंगल्स पेरीमीटर एग्जाम में सर साफ का बुक का यूज है, यूज है, आपका बाजीराव साहब का म्यूट करो झूठ। जी। हाँ जी, सर ऐसा मतलब सर, हम लोग के साइंस का टेस्ट था, उसमें क्वेश्चन किया गया कि व्हाट रिमिनेंट्स कैन ईट बट ह्यूमन कैन नॉट, इसका तो सेल्यूलोज होगा ना हाँ बाबू, हाउ मेनी रेक्टेंगल कैन बी ड्रॉन बाबू। अरे बोली कि ग्रास, तो ग्रास में सेलुलोज ही रहता है। हाँ तो सर मैंने सेल्यूलोज लिखा तो मैम ने मेरा मार्क्स काट दिए, चीटिंग हुआ ना। मैम को बाबू घास ही लिख देती, घास पसंद है तो। हाउ मेनी रेक्टेंगल कैन बी ड्रॉन विथ बाबू, कैन बी ड्रॉन विथ 36 सेंटीमीटर एज द सर एज द पेरीमीटर। कार्तिक, ए बाबू कार्तिक, मोबाइल घुमाइए बाबू, मोबाइल घुमाइए। और डेली हम लोग दो दो बर्ड मीनिंग लिखाते हैं, तो आपको डायरी में बर्ड मीनिंग अभी लिख लीजिए, और फिर आपके पापा जैसे बात करते हैं तो उसके अनुसार डायरी में लिखना वर्ड मीनिंग है ना, अभी लिख लीजिए कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास ठीक के बीच में हम बात करते हैं बाबू, है ना। आ गए पापा जी बाबू, अच्छी सर, अभी आ गए बात है, तभी पढ़िए उसके बाद बात करते हैं।
गिवन डेट द दुनिया का सबसे सस्ता एप्पल का 360 डिग्री मैकबुक। सर साइड्स आर। हाँ जी क्वेश्चन नंबर क्या? 29, 20 या 21, 22 आप भेज दीजिएगा मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे मतलब। अच्छा देखते सर हैं। उस दिन नेट नहीं चला था, सर लिख नहीं पाए। तो वीडियो नहीं है बोली। अच्छा सर वीडियो ढूंढने बहुत मुश्किल होता है। ग्रुप से खोजिए ना, वो खोजना है क्या ग्रुप से। सबसे सस्ता मैकबुक एप्पल 360 डिग्री। सर आप किसी से मांग के ग्रुप में भेज दीजिएगा ना। अच्छा भेज देगी इसका। कितना नंबर चाहिए बाबू? कितना नंबर चाहिए राजनंदनी? सर 20, 21 या 22। हाँ तीन को क्वेश्चन भेज देना इस 20, 21, 22, 23, 22। तो तीन को 20 सर 21। 20 हल्ला नहीं। तो डी है, 21 डी है मेरा। ओके सर रजिस्टर कॉल। पेरीमीटर गिवन सर, हाफ पे छोड़ने को बोल रहे तो मैं फुल पे छोड़ दूँ। नहीं यहाँ पे छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपने उसको 6 लाइन बोला था, 1 पेज पूरा लग गया था। एचपी लैपटॉप का वो सर सेकंड मेथड भी ये होगा। कौन है, कोई एप्पल का लैपटॉप ना दे रहे हैं? सर 29 नंबर का सेकंड मेथड होगा क्या सर? नहीं बाबू, वरना आप सर लिखा देंगे फिर सेकंड मेथड। वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। सर आपको सिर्फ कान में ठंडी लग रही है। सर बार ऑफ लेंथ 20 मीटर इज फोल्डेड। वहां पे बर्फ गिर रहा लिखा है। मम्मा कैसे है? ऐसे तरह पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। इज फोल्डेड। वो सर आपने वो ओ एल लिखा है या डी लिखा है? वो एफ कौन के सा बाद फॉर्चुनेटली? सर, वो 30 नंबर में। थर्टी नंबर में, थर्टी नंबर में। ए बायर ऑफ लेंथ नो बाबू सर, वो जो आपने 30 नंबर में फोल्डेड सर इज फोल्डेड FOLDED फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। समझाते हैं। सर हाफ पेज में हो जाएगा हाँ बाबू। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स? दोनों क्वेश्चन सेम है। हाउ कैन बी फॉर्म? अमन से पढ़ना है एकांत बाबू। ना? यस सर। बाय फोल्डिंग द वायर फ्रॉम द साइड सर अब क्वेश्चन नंबर 27 और 28 करवाएंगे। बनाए बनाइएगा। नहीं जी सर वो होमवर्क है बनाना है। हल्ला नहीं कीजिए जी। तो पेरीमीटर से रिलेटेड जितना भी टाइप का क्वेश्चन है आपको करवा देते। वैष्णवी वीडियो ऑन कीजिए, लक्ष्मी बाबू ऑन कीजिए, अदिति ऑन कीजिए जी। बहुत सारा अभी बच्चा नहीं है जी। सर इसके लिए पूरा 1 पेज छोड़ना है ना। सर नहीं बाबू हाफ पे छोड़िए भोला। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, 30 नंबर, क्योंकि आप क्योंकि पता है मेथड 1 और मेथड 2 दोनों लिखा देंगे कभी भी। नहीं एक को मेथड है सर बोला आप ये सबका बात। विश्वास उठ कल गया। वैसे ही किए थे। अच्छा लीफ
लीव हाफ पेज, आधा पेज छोड़िए अगला लिखिए। आधा पेज क्यों छोड़े सर, फिर मत बोलिएगा कि सर सेकंड मेथड है। अच्छा ठीक है। ए राजनंदनी, रेक्टेंगल का क्वेश्चन पेरिमीटर कितना होता है जी? राजनंदनी सर मैं बताऊं? यस सर, टू इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ, टू इनटू लेंथ प्लस बी। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 36 सेंटीमीटर लिखे कि 30 सेंटीमीटर लिखे? 36 है वहां पे बाबू, 36 है ये। नहीं सर, वहाँ कुछ लाइटिंग जैसा सर काला काला आ रहा है। अरे वो नॉब का शैडो बन रहा है, जो अथी है ना हुक है ना, उसी का शैडो बन रहा है। ओ, सर उससे पीछे रेड रेड क्या है? पर्दा है, पर्दा। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कर्टन है, पर्दा नहीं वॉलपेपर है। अच्छा ठीक है, कर्टन है सर, सही में वॉलपेपर है। ऐसे तो ना, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए सर। हमें तो ये भी पता है कि आपके घर जहाँ पे पढ़ा रहे उसके राइट साइड पे डोर है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बेड और बुक्स का भंडार, सर सही में राइट साइड में डोर है। ऐसे तो ना, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अलग मत कीजिए बाबू। सर एक बार आप अपना होम टूर करवाइएगा सर, आप अभी नहीं इंटीरियर पे आ गए सर, रूम चेकअप हमको भी करवाइएगा सर, आज हमको अभी नहीं, सेंचुरी पूरी है था सर। सेंचुरी मतलब हंड्रेड सर, मतलब कि हम क्या करें? इसको सेंचुरी नहीं पता ऐसा, ये सेंचुरी माइंड मतलब जॉब हंड्रेड सर। सेंचुरी पूरते पूरते तब तो आप रहने के भी था सर, सेंचुरी पूरना सर, अभी 1-2 साल और बाकी है। अच्छा ना, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, माइंड जॉब दे रहा हूँ सर। आपने तो कब पढ़ने पाते सर, प्लीज साइड सर, इसके आप बाद लोग पढ़ाने वाले हैं। रेक्टेंगुलर अ मैन क्यों लिखे, किसी का नाम लिख दीजिए सर। मेरा नाम सर, मेरा लिखा मेरा नाम, मत मेरा कीजिए, नाम हल्ला मत कीजिए। सर, एक शॉर्ट बच्चे का नाम लिखिए सर, मेरा नाम लिख दीजिए। अच्छा ठीक है, सब हल्ला करते हैं सर। सर लोहा से चोट लगने के बाद सर कौन सा इंजेक्शन लगवाते हैं? सर टिटनेस, देखो बता, सर मुझे भी एक बार लगवाते हैं सर। अच्छा ठीक है, हल्ला नहीं कीजिए। 3 बार लगा है, क्यों? 4 बार इंजेक्शन, हल्ला मत करो जी, नहीं तो सबको म्यूट कर देंगे। सर मैं फिर भी सर अनम्यूट कर लूंगा। अच्छा हल्ला मत कीजिए, मुझे आता है सर, रिजल्ट है सर, फिर से इनकी डिस्टर्ब होता जी। ओके सर, विक्रम ऐसे डाउन फोन इनकी पिंकी पोंकी कर रहा है ऐसे ना संदरे जी, तब मैं नहीं कोई और कर रहा है सर। स्वर्ण गा रहा है। मैं कब गाया? अभी। ए बाबू बहुत बोलता है लोग, शैतान पढ़ने में कमजोर हो गया, खाली बोलने ले सीखे वो। लिखिए क्वेश्चन, समझाते हैं सर। वो जो वो मैन के बाद क्या लिखा है? ए मैन जॉग है बाबू, जॉगिंग कर रहा है ना, और वो बात क्या कर लिखा है? एंक आउट। ये मैन बाक बाबू कर दो, नहीं समझ में आता तो बाक सर, कर दो। रहा रहा है। अच्छा ठीक है, पोर्टुगीज के भेज रहे हैं। मतलब पता है। अच्छा ठीक है, हल्ला मत कीजिए, जल्दी लिखिए वो समझाना, जल्दी लिखिए। आज समझाते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा। डन। अच्छा ठीक है, हल्ला मत कीजिए। सर हाँ जी, 16 से एग्जाम ना, 16 फरवरी से भूली। यस सर। चलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। कौन कौन चैप्टर बच रहा है बाबू? कोई चैप्टर में डाउट होगा आप लोग का, बाबू इसको खत्म करते हैं फिर प्रैक्टिस करवाते हैं। मेरे तो 5 फरवरी से एग्जाम है। कीपिंग पंकी, हल्ला नहीं, वैष्णवी वीडियो ऑन करो, लक्ष्मी बाबू ऑन कीजिए, राके बाबू ऑन कीजिए, निखिल सर बाबू ऑन मेरा करो जी, पहला निखिल। एग्जाम मैथ्स है। अच्छा ठीक है काव्या, ये निखिल ऑन कीजिए जी। सर सर तो बोल रहे हैं स्कूल वाले कि पहले एग्जाम मैथ्स है। अच्छा ठीक है, हल्ला क्यों कर रहे हैं?
सर आप लेकिन वो ज्योमेट्री अगर स्टार्ट कीजिए ना सर प्लीज, सर आप हल्ला मत करो रिकॉर्डिंग जी, स्टार्ट ही करके छोड़ दीजिए अरे शैतान, ये उसी बैच का रिकॉर्डेड रह गया लगता है। सर, तो हम लोग का बात चला जाएगा सर। हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। लिखिए निखिल बाबू, इसमें बाबू एरिया सर पेरीमीटर ज्योमेट्री पढ़ा वो रहे हैं स्टार्ट कीजिए ना कल सर। ऐसे ना।